तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिद्धि और आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अपने गांव में आई हूँ और मैं इस टाइम आ गई हूँ अपने खेत के, हमारा खेत है वहाँ पे पीछे जहाँ पे वो तीन लोग दिख रहे होंगे आपको, वो मेरी मम्मी है, मेरी बहन है और मेरे चाचू हैं। तो मैं आई यहाँ पर। आ रहे हैं घूमने। आज मौसम बड़ा अच्छा है, ना धूप ना गर्मी ना बारिश, बस मौसम अच्छा है। मौसम दिख, मेरी मम्मी को मनाया जा रहा है और अब वो मान गई हैं, वो भी हमारे साथ जाएंगी। मेरी बहन भागती रहती है कैमरे से। आओ ना, खाली ना। I'm ready. चलते हैं। तो चल रहे हैं। बैंगन मिर्ची, वो आगे क्या है? वो बैंगन है, बीच में मिर्ची है, ये भी वो, मतलब वी में मिर्ची लगाई है। उस टाइम भी बकरी दिखी थी वहाँ पे भी, खेत सारे खेत, इधर घर भी है। यार यहाँ के बच्चे ना हेलो बोलने पे रिप्लाई नहीं करते, बेइज्जती हो जाती है। इधर से खेत, इधर से गांव, वो मंदिर है। कितनी आगे है यहाँ से? अभी बहुत दूर है। नीम की खुशबू आ रही है। ये सब नीम है क्या? नहीं, ये तो वो है, तून, केले मिक्स होके आ रही है। हमें किस साइड जाना है? इस साइड। यहाँ पे खेती चल रही है। मैं छोटे में आई हूँ ना, यहाँ वो बाग में, किसी बाग में तो आई हूँ, वहाँ नहर भी है। ये वाला बहुत छोटी सी तब आई थी खेलते। मेरी बहन बोल रही है ये मेड़ बहुत खतरनाक है, यहाँ सब गिरते रहते हैं। लोगों के पाँव के निशान इसमें अभी लगा है ना। बारिश हो रही है, बारिश होने लगी, देखो बारिश होने लगी। छाता ले रही थी मैंने, लिया नहीं। भगवान जी बारिश मत करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। डोंट करिंग बारिश, नहीं तो हम जाएंगे भीग और हमें हो जाएगा जुकाम, खांसी, बुखार, सब बोलेंगे कोरोना हो गया। बारिश स्टार्ट होगी, बारिश
स्टार्ट होगी तो हवा भी चल रही है, मेरी आवाज़ भी आए या ना आए मुझे पता नहीं, तो भगवान जी प्लीज़ बारिश मत करना, पहले भी बोला। अभी मैं वहाँ से दूसरे रास्ते से रास्ते आगे कोई भी नहीं है यहाँ, अंदर भाग गया, यहाँ आगे निकल गए मेरे को छोड़ के, मुझे दौड़ के जाना पड़ेगा। ट्यूबवेल से इन सब खेतों में पानी आता है और यहीं का ही हमारा खेत है। वो मेरे चाचा बैठे हुए हैं सामने, वो ये हमारा खेत है जहाँ मेरे चाचा बैठे हुए हैं, ये पूरा मेरी बहन, मेरे चाचा और ये वहाँ से वहाँ तक काम कर रहे हैं। मेरी मम्मी भी गई और वहाँ से यहाँ तक आप कहीं पे भी नज़र डालो, सिर्फ खेत ही खेत दिखेंगे, कुछ भी नहीं। और ये बाग है और वो ट्यूबवेल है, वहाँ से सब में पानी जाता है और ये बाकियों के खेत हैं जो हमारे पता नहीं शायद हमारे रिश्तेदार या रिलेटिव्स के हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि वो सब यहीं पर आते हैं, बहुत आनंद है यहाँ से। सब चल रही हूँ अंदर, सीधे सीधे जाना होता है ना, ये तो खराब हो जाएगा। कहाँ बोल रहा है मोर, दिख तो नहीं रहा। बारिश होने लगी, देखो यहाँ पे अभी हम इतनी दूर, वो उसके नीचे जा रहे थे क्योंकि बारिश इतनी तेज होने लगी थी और अभी अचानक ही देखो भगवान ने क्या किया, शायद मेरी सुन ली। उन्होंने बारिश रोक दी, पर मैं थोड़ी सी भीगी हूँ, पर इतनी तेज धूप निकाल दी है तो सूख जाऊंगी। तो मैं चल कहाँ रही हूँ, पतली सी मेड पर, मैं शूज डाल रही थी, मेरी बहन ने कहा शूज मत डाल गिर जाएगी, फिर मैं चप्पल डाल कर आई हूँ। अभी तक यहाँ पर बारिश हो रही थी जब हम यहाँ पर भाग रहे थे और अभी इस टाइम इतनी ज़्यादा धूप हो गई है, तो चाचा ने मेरे कहा, मेरे चाचू ने कहा कि आप लोग घर जाओ क्योंकि यहाँ टाइम लगेगा, तो यहाँ क्या करोगे बैठ के, मैं दिख रही हूँ, तो मेरे चाचू ने कहा कि यहाँ पे बैठ के क्या करोगे आप लोग घर जाओ, तो मैं और घर जा रहे हैं। मेरी चाची आ रही हैं, कुछ लेके आ रही हैं। हम जा रहे हैं, अभी बोल ही रहे थे कि किसी को भेज देना घर से। मेरी चाची जा रही हैं, क्या लेके आए हो? वापस लेकर जा रही हैं हमको। Thank you.
का पेड़। मेरी मम्मी बैठी है वहीं पे, और ये है वो पीपल का पेड़ जिसे यहाँ पूजा जाता है। मैं भी गई थी वहीं पे। अभी बारिश हो रही है, शायद ये नाचेगा, पर ये हमको देख के भाग रहे हैं। अभी तक मुझे आवाज़ ही सुनाई दे रही है, बस एक ही दिख रहा है तब से, और वो भाग रहे हैं। भाग रहे हैं। आने के लिए लकड़े जा रही हैं। ये मेरी मम्मी को जानते हैं। मेरी मम्मी तो बहुत टाइम से रहते हैं ना, उनको तो जानते ही होंगे। मेरी बहन जा रही है उधर से, एक साइकिल पे आ रहे हैं। वो पिद्दी को देखो, पिद्दा है या पिद्दी मुझे नहीं पता, पिद्दा है। भैंस को कैसे मार के आगे लेके जा रहा है, और वो देखना उसके साथ दौड़ रही है, वो उसके साथ रेस लगा रही है। वो रेस लगा रही थी उसके साथ, वो रुक गया तो वो भी रुक गई। यहाँ से वो शायद खेती करके आ रहे हैं, अगर दिख रहा हो तो। बचपन में मैं आई थी यहाँ से, आगे जाते थे ना वो कढ़ाई कुछ करने। यार कढ़ाई चढ़ाने जाते नहीं थे यहीं से? ये नहर है, ये नहर ही है ना। ऐसा लग रहा है कि पानी भरा हुआ है, क्योंकि आजकल गांव का यही हाल है बारिश की वजह से। पर ये नहर है, उस टाइम खाली हुआ करता था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट, शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
क्योंकि और भी फड़फड़ वीडियोस आने वाली हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और ऊपर का मौसम मस्त लग रहा है, कभी कभी मैं ये चीज देख के खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।